विदिशा के पठारी में गुरुवार को मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी एवं कर्मचारी संघ के तहसील अध्यक्ष पुरुषोत्तम अहिरवार के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में संघ ने विभिन्न मुद्दों पर और मांगों को उठाया। संघ ने पदोन्नति में आरक्षण के बैकलॉग को भरने की मांग की, साथ ही पूर्व की तरह न्यायिक सेवा में सिविल जजों की भर्ती प्रक्रिया को बहाल करने की मांग की गई। न्यायिक सेवा में साक्षात्कार प्रक्रिया को समाप्त करने का आग्रह किया गया। संघ ने आउटसोर्स प्रथा को समाप्त करने की मांग की। वहीं पुरानी पेंशन योजना को पुनः लागू करने की मांग की गई। इस दौरान अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों के लिए छात्रावास की संख्या बढ़ाने का अनुरोध किया गया। इस ज्ञापन को सौंपने के दौरान आजाक्स संघ के कई कर्मचारी उपस्थित थे, जिसमें आजाद ब्लॉक अध्यक्ष रविशंकर बंशकार सहित अन्य कर्मचारी शामिल थे। सभी ने एकजुट होकर अपनी मांगों को मुख्यमंत्री के सामने रखने का संकल्प जताया। आज हमने आजाक्स संगठन के माध्यम से आजाक्स संगठन के कर्मचारी, सामाजिक कार्यकर्ता एवं क्षेत्रीय साथियों के द्वारा ज्ञापन सौंपा है। इसमें अनुसूचित जाति जनजाति के जो बैकलॉग पद हैं वे शीघ्र भरे जाएं, इसके विषय में सभी छात्रों को समय पर छात्रवृत्ति मिले और आउटसोर्स प्रथा बंद की जाए, इसके विषय में ज्ञापन दिया है। और इसी विषय में श्रीमान प्रांतीय आह्वान के माध्यम से 25 तारीख को प्रत्येक तहसील में ज्ञापन दिया गया है एवं 28 तारीख को प्रत्येक ब्लॉक एवं जिले में संपूर्ण मध्य प्रदेश में ज्ञापन दिया गया है।